अद्वितीय विशेषताएं समेटे है बजरिया देवी मंदिर। नगर का सबसे प्राचीन देवी मंदिर बजरिया की देवी, जो बड़ी माता के नाम से भी जानी जाती हैं, चरखारी की परंपरा के मुताबिक हर शुभ कार्य शुरू होने से पहले यहाँ के वासिंदे सबसे पहले निमंत्रण और चरण वंदन यहीं करते हैं। उसके बाद माँ के आशीर्वाद के साथ आगे की परंपराओं का निर्वहन करते हैं। सुबह शाम यहाँ मन्नतें मांगने वालों का जमावड़ा और महिलाओं और पुरुषों का भजन कीर्तन अनवरत चलता आ रहा है। पंडित दीपक गुरुदेव कहते हैं कि जो भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़ी माता के दरबार में आकर उनकी वंदना करता है तो उसके सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। जी, तो ये चरखारी और रियासत की ये सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ का। बताया ये जाता है कि जब चरखारी का निर्माण हुआ, ये बसी चरखारी का जब विकास किया गया तो उसके पहले ये देवी यहाँ पे थी। जी। ये पीपल का पेड़ था तो चरखारी के लोगों की सबसे ज़्यादा आस्था इस देवी मंदिर से जुड़ी हुई है। ये बजरिया की देवी है जी, और यहाँ पे मनोकामना लोगों की अधिक से अधिक पूरी होती है। नवरात्रे में ये हाल रहता है कि सुबह से ही तांता लगा रहता है श्रद्धालुओं का, जो पूरे दिन आस्था लेके लोग यहाँ पे आते हैं और उनकी मनोकामनाएं ही पूरी होती हैं। यहाँ तक कि मतलब कोई भी शुभ काम अगर घर में होता है किसी के यहाँ चरखारी परिक्षेत्र में जी, तो यहाँ जरूर अपने लड़के बहू को और अपने बच्चों का मुंडन कराने और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, और लोग बहुत मात्रा में यहाँ पे आते हैं। ये सिद्ध पीठ है और शारदा माता का एक मंदिर है। लोगों की आस्थाएं बहुत अच्छी जुड़ी हुई हैं इस तरीके से। अपडेट मीडिया के लिए चरखारी से संदीप कुमार की रिपोर्ट।